हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पायल शर्मा एंड आप देख रहे हैं पायल शर्मा ऑफिशियल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फ्लिपकार्ट की मालियो की लिपस्टिक कलेक्शन, जो कि है 12 लिपस्टिक कलेक्शन एंड ये है लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक जो कि जिसे बोलते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। अभी लाइक नहीं करना है तो वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, बट हाँ वीडियो को पूरी देखेगा। एंड मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि ये वीडियो मैं टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियोज़ लिपस्टिक की हम कोई लिपस्टिक का मैं कोई भी कलेक्शन करती हूँ आपके साथ, उसके साथ अनबॉक्सिंग करती हूँ, रिव्यू शेयर करती हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप इस वीडियो को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे मालियो की लिपस्टिक का कलेक्शन ले लिया है, जो कि है मालियो की लिपस्टिक मैट किस प्रूफ लिपस्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसका प्राइस एंड इसका लिंक नीचे मेंशन हो चुका है। एंड इससे रिलेटेड मतलब और बहुत सारी वीडियोस मैंने लिपस्टिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, अगर आपको देखनी हो तो लिंक नीचे मेंशन हो गया है। वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं, आई बटन के अंदर आप देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये लिखा हुआ है मैट किस प्रूफ। बात की जाए इस लिपस्टिक की तो इस लिपस्टिक का रिव्यू काफ़ी अच्छा था एंड इसकी पिगमेंटेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर करूं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूं कि ये मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है, इसका प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं। एंड यू कैन सी कि इसका जो लिपस्टिक का कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कूल लुक दे रहा है, बहुत ही सुंदर है। 12 लिपस्टिक है, 6 इधर है, 6 इधर है एंड सारे शेड इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बताए गए हैं, बट देखते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट शेड्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक आध शेड जो है थोड़ा मैच हो जाता है। सो कोई बात नहीं, देखते हैं। सो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, इस वाले वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी ये वाला लिपस्टिक का कलेक्शन, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगी मैं आपको नीचे वाला लिपस्टिक का कलेक्शन। एंड बात की जाए इसकी पैकेजिंग की तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है, एंड इसकी बात की जाए लिपस्टिक की तो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये मालियो की ओरिजिनल लिपस्टिक है, ये कोई फेक लिपस्टिक नहीं है। यहाँ पर शेड नंबर लिखा हुआ है, देन लिपस्टिक का नाम भी लिखा हुआ है। अगर कोई फेक लिपस्टिक होती है तो उसका शेड नंबर या फिर उसका लिपस्टिक का नाम या फिर कोई पैच नंबर होता है, वो कुछ भी लिपस्टिक के ऊपर नहीं लिखा होता है। सो यू कैन सी इसकी जो लिपस्टिक की जो पैकेजिंग है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसकी कैप है, देन यू कैन सी कि यहाँ पे जो कलर दिया हुआ है सेम कलर आपको लिपस्टिक का रिसीव होगा, वही कलर आपको लिपस्टिक के अंदर मिलेगा। सो इस लिपस्टिक का शेड नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 23 क्रिम्सन। एंड जितने भी लिपस्टिक के शेड्स होंगे उन सभी का जो नाम होगा और शेड होगा वो इधर मेंशन होता रहेगा। एंड मुझे टिकटॉक पर एंड मुझे इंस्टा पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी चीज़ों के नाम एंड लिंक्स मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिए, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो बात की जाए इस लिपस्टिक की अगेन, सो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने माले का लिपस्टिक लिखा हुआ है, यहाँ पे देन इन्होंने लिखा हुआ है मैट किस प्रूफ लिपस्टिक। एंड इसकी जो पैकेजिंग है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही स्मूथली इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, स्मूथली पकड़ सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने जो कलर दिया हुआ है बहुत ही प्रिटी है, एंड एज इट इज आपको सेम टू सेम कलर रिसीव होगा। यू कैन सी कि जो जैसा सेम कलर यहाँ नीचे दिया हुआ है सेम कलर वही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, जो लिपस्टिक है आपकी यहीं दिख जाती है। सो अब हम बात कर लेते हैं, अब मैं पहले से आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। सो गाइज यू कैन सी कि जैसे जैसे लिपस्टिक का कलर मुझे दिखा है वो एज इट इज सेम टू सेम है। इस लिपस्टिक की बात की जाए तो इसकी लिपस्टिक की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड ये वाटर प्रूफ है, किस प्रूफ है। अगर ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए उसके बाद हम देखते हैं कि वाकई में ये किस प्रूफ है या नहीं, किस प्रूफ है या नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। सो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात की जाऊँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा कि हमारी लिपस्टिक की पिगमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ लिपस्टिक की पिगमेंटेशन की, तो पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इससे पहले भी मैंने मालियो की लिपस्टिक लगाई है, बट अगर बात की जाए इस लिपस्टिक के बारे में, क्या मतलब सेम ही प्रोडक्ट था थोड़ा सा, तो उस लिपस्टिक के बारे में अगर बात की जाए तो वो लिपस्टिक की जो पिगमेंटेशन थी और मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला, मैंने पूरे दिन लगाई हुई थी, मतलब मिनिमम मुझे 8 to 9 hours तक मैंने इसे लगाई थी लिपस्टिक को, एंड पूरे दिन मतलब टच से मच नहीं हुई, इधर से उधर नहीं हुई, कहीं फैली नहीं थी, कुछ खाए हो पियो तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। आपकी लिपस्टिक की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो कि इस लिपस्टिक के अंदर है। सो अब मैं आपको सारे शेड्स दिखा देती हूँ। मैंने आपको ये वाला कलर अप्लाई करके दिखा रहा है, क्या है ये 23 नंबर शेड। अब देन मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला कलर। ओ माय गॉड, ये तो अगेन 23 नंबर शेड है। देन यू कैन सी कि यहाँ पर भी 23 लिखा हुआ है, होप आपको नज़र आ जाए, यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, 23। देन यू कैन सी कि यहाँ पर भी 23 लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा तो। एंड मतलब सेम कलर हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, अब आपको आपने देख ही लिया कि ये वाला कलर मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है।
सो यहाँ पे देख सकते हैं बात की, जैसे कि आपको बता रही थी कि पिगमेंटेशन लिपस्टिक की अच्छी होनी चाहिए, तो पिगमेंटेशन लिपस्टिक की बहुत ज़्यादा अच्छी है, परफेक्ट है और बजट फ्रेंडली है, आपको इजीली मिल जाती है। एंड यू कैन सी कि मैंने सेकंड कलर लिया है, इसका शेड नंबर है 15 सीरीज। सो यहाँ पर मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। सो वाओ, ये वाला कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं बहुत प्रिटी कलर है। एंड ये रेड कलर की शेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लुक दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर आपको कोई परफेक्ट लिपस्टिक की परफेक्ट पिगमेंटेशन चाहिए तो आपको ये वाली लिपस्टिक ज़रूर बाय करनी चाहिए। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं या फिर अगर आप न्यू वॉचर हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सीरियसली गाइज ये लिपस्टिक जो है ना बहुत ही औसम है, बहुत 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 औसम है। जैसे कि कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, दो कलर सेम हो गए, अब तो नहीं आना चाहिए। खैर आपने थर्ड कलर देख लिया है, बात की जाए इसकी लिपस्टिक की, सो मैंने इसे लिपस्टिक को अप्लाई किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, सो अब देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं। सो गाइज ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है एंड ये रिमूव भी नहीं हो रही है। सो ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो नेक्स्ट कलर पे आते हैं, सो वो है ये वाला कलर, ये वाले तीन हमने, ये दो कलर इसके में ऑलरेडी सेम आ गए हैं एंड ये वाला कलर इसका शेड मैंने आपको बता दिया है। देन अभी हम ये वाला शेड कलर देखते हैं। सो इसका शेड नंबर है 14 कॉन्टेसा एंड सो इसका कलर वो है, मतलब स्किन से रिलेटेड होते हैं ना कलर, वो वाला अच्छा कलर है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा टीनेजर्स इसको अप्लाई करती हैं। सो इसका वाला एक बार हम कलर्स देख लेते हैं। सो वाओ, बहुत ही प्रिटी कलर है, बहुत सुंदर है, बहुत ही लाइट कलर है। अगर बात की जाए इन लिपस्टिक की, तो सारे के सारे न्यूड शेड आ रही है लिपस्टिक के अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इन कलर्स को देख के बहुत ही। हालांकि इसमें दो कलर जो है सेम हो गए हैं 23 वाले, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। सो ये था 14 शेड नंबर एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, सुपर पिगमेंटेशन है गाइस, सुपर पिगमेंटेशन, इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है OMG, ये क्या है, यू कैन सी कि यहाँ पे दोनों ही 14 नंबर के शेड्स अगेन मेरे पास रिसीव हुए हैं, मतलब ये क्या बदतमीजी है, सॉरी बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अगर आप मालिक, वैसे तो मालिक लिपस्टिक जो है पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, किस प्रूफ है, बट मेरे को एक चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, वो ये है कि मुझे अगेन दो कलर रिसीव हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ है 23 23, देन अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, यह है 14, देन अगेन 14, सेम कलर मुझे अगेन रिसीव हुआ है, मतलब कि मेरी जो टू लिपस्टिक हैं वो अगेन रिसीव हो चुकी हैं। सो खैर नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन 23 कलर, OMG क्या मतलब अगेन 23, मतलब ये भी 23 है, ये भी 23 है, ये 15 है, ये 14 एंड देन अगेन 23। अगर बिलीव नहीं है ना तो ये देखो 23, होप आपको नज़र आ रहा होगा 23, अगेन 23 एंड देन अगेन 23, मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर दिस, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब ऑलमोस्ट जो है ऊपर की जो 6 कलेक्शन है वो पूरा डिफरेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कलर इसमें डिफरेंट है, बाकी के इसका भी सेम कलर है, इसका भी सेम कलर है और ये वाला तो इसी का ही है। मतलब तीन कलर मुझे 23 के रिसीव हुए हैं और दो कलर मुझे 14 नंबर शेड के रिसीव हुए हैं। गाइस आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही लेकर आई हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसके बाद का ज़रूर देखिएगा कि इसके बाद क्या हुआ। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।